ही पावरफुल है एंड फुल कॉमेडी मूवी है, फुल फैमिली मूवी है। मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जरूर देखने जाइएगा और आप फुल इंजॉय करें। कुत्ते की तुम नॉर्मली हम उनको बोलते हैं जो मतलब सीधा नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ टेढ़े काम करते रहता है कि भाई सुधरेगा नहीं। जी जी जी, आपका किस तरह किरदार है एक्चुअली, इस तरह का कोई किरदार है कि जो बार बार वही चीज़ें दोहराते रहता है, उसके बारे में बताइए। मेरा किरदार बहुत ही भोला है जो कि भाइयों के पीछे गलत कामों में पड़ जाता है, लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाता है कि ये बहुत कुत्तापन है, तो बहुत जल्दी वो एक अच्छे कामों में आ जाता है। मैम, योर इंट्रोडक्शन एंड आपके किरदार के बारे में जानना चाहिए। मैं एक कोरियोग्राफर थी, हमेशा मैंने पर्दे के पीछे ही काम किया है, लेकिन मन में एक ख्वाहिश थी बड़े पर्दे पे काम करने की। तो पटियाला में जब पंजाब में ऑडिशंस हुए थे, तो पटियाला में ऑडिशन था, मुझे एज अ कोरियोग्राफर बुलाया गया था। तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने मुझे, जब मैं उनसे मेरा मीटिंग हुआ, तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा सीन करने के लिए कहा कि आपको एक छोटा सा सीन करना है फिल्म के लिए। तो मैं बहुत खुश हुई कि मुझे छोटा सा सीन मिलने वाला है फिल्म में। देन मैंने वो ऑडिशन क्लियर किया, मेरा वहाँ ऑडिशन लिया। देन आई कांट बिलीव मुझे मेन हीरोइन का ब्रेक मिला। सो मेरे लिए इससे खुशी की बात कोई नहीं थी, मेरे मन की इच्छा पूरी हो गई मेन हीरोइन की। मैंने पर्दे के पीछे ही काम किया है, मैं एक डांस कोरियोग्राफर थी, एक डांस अकेडमी चला। जी, मैंने फिफ्थ क्लास में पहले एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, भाषण प्रतियोगिता, और उसके बाद मैंने आफ्टर प्लस टू थिएटर ज्वाइन किया। एंड देन मेरे को पता चला कि कुत्ते की दो मूवी का जो है ऑडिशन नाभा में होने जा रहा है, तो मैंने ऑडिशन में हिस्सा लिया। प्रोड्यूसर मैम और डायरेक्टर सर ने ऑन द स्पॉट मेरे को सिलेक्ट किया एंड देन मेरे को मूवी मिली। मैं बहुत लकी समझता हूँ और थैंकफुल हूँ सत्येंद्र त्रिपाठी सर प्रोड्यूसर एंड सोनिका पटेल मैम, सनम पटेल मैम डायरेक्टर सर सुनील पटेल का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे ऊपर बिलीव किया, और थैंक यू सो मच। चार गाने हैं, बाकी इसके बारे में हमारे डायरेक्टर सर बताएंगे आपको, और बहुत ही अच्छा म्यूजिक है, बहुत ही अच्छे गाने हैं, आप सब इंजॉय करें। जी जी, ये फिल्म पूरे ऑल ओवर इंडिया में शूट की गई है और 12 डेज में इसका शूट कंप्लीट किया गया, जो कि बहुत ही अपने आप में एक रिकॉर्ड दर्ज है। फिल्म के दौरान मैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यही कहूँगी कि मैंने जैसे कि बताया पहले मैं एक कोरियोग्राफर थी, तो मैंने बहुत से शूट्स ऐसे देखे हैं जहाँ पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर आर्टिस्ट लोग से बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करवाते, बहुत डांटते हैं या कुछ, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। मुझे बहुत अपनापन लगा, मतलब जो प्रोड्यूसर मैम है मुझे मेरी माँ की कमी बिल्कुल फील नहीं हुई, और डायरेक्टर सर मुझे कभी मेरे पिता की कमी नहीं फील हुई, अपने बच्चों की तरह मुझे हमेशा ऐसे समझाया और मुझे बहुत कुछ सिखाया। सबसे बड़ा मैं यही आपको यही बोलना चाहूँगी कि मैंने उस फिल्म से मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में। ऐसा लग रहा था जैसे फैमिली को छोड़ के दूसरी फैमिली ज्वाइन किया, तो पूरी टीम ने एक फैमिली की तरह काम किया। बिल्कुल। लोग कुत्ते की तुम क्यों देखना चाहे? जी, फुल कॉमेडी मूवी है, फैमिली मूवी है, पूरा फैन थ्रिलर है, और आप पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। या मैम, व्हाट वुड यू से, व्हाई शुड पीपल गो टू वॉच कुत्ते की तुम? एक्चुअली कुत्ते की तुम ऐसी मूवी है जो आप अपने परिवार के साथ भी देखने जा सकते हो, क्योंकि ये बहुत कॉमेडी है, रोमांस है, थोड़ा हॉरर भी है, ड्रामा है, तो इसको बहुत एंजॉय करोगे और इससे एक सीख
फिल्म बहुत सुपर डुपर फिल्म है दोस्तों, आप जरूर देखिए। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम राज रहमान अली है, माय कैरेक्टर नेम है संतोष। यहाँ पे जो राज खुला गया जैसे मेरे नाम की तरह, वो उस पोस्टर में जो नकाब वाला बंदा है वो मैं ही हूँ। तो चेहरे का नकाब तो खुल गया, ये राज खुल चुका है। तो इस कैरेक्टर का क्या क्या गेम है इस फिल्म में, क्या स्पेशलिटी है, क्या खासियत है, तो वो चीज़ आप लोग फिल्म देखते ही समझ गए। तो मैं ज़्यादा कुछ अपने कैरेक्टर का डेफिनेशन नहीं देना चाहूँगा, आप सभी से और जनता से आपके थ्रू से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ गो एंड वॉच द फिल्म। यू वांट टू लव इट, यू वांट टू एंजॉय इट विद योर फैमिली विद योर किड्स, सो इट्स रियली अमेजिंग, प्लीज़ गो एंड वॉच इट। गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ब्लेसिंग अस विद योर प्रेजेंस। मेरा कैरेक्टर बहुत ही चुलबुला है, बहुत ही नौटंकीबाज, जुगाड़ू, बहुत ही ओपन, बहुत ही लाइवली कैरेक्टर है, बहुत मतलब बहुत लाउड कैरेक्टर है मेरा। एंड बहुत ही मज़ा आया मुझे कैरेक्टर करते हुए। एंड या प्लीज़ मूवी देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। इट्स अ कम्प्लीट एंटरटेनिंग मूवी, इट्स अ हॉरर कॉमेडी और सबके लिए, कोई भी एज का जा सकता है, बच्चे बुजुर्ग कोई भी जा सकता है। एंड या इट्स अ गुड मूवी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गलतियाँ की और उससे बहुत कुछ सीखा, और वो गलतियाँ सीख के मैं ट्राई किया कि रिपीट ना करूँ, कई बार रिपीट हो भी गई। फाइनली मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मैं आज भी सीख रहा हूँ, मैं शायद कल भी सीखते ही रहूँगा, बट इससे एक प्रोसेस मुझे समझ में आया कि एज ए ह्यूमन बींग हम सभी का एक स्ट्रगल है, और जो बार बार मिस्टेक दोहराता है वही कुत्ते के कुत्ता है। ये एक गलती हम लोग और देखते हैं स्क्रीन पे, गलती नहीं हम लोग ट्रेलर देख लेते हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा। ठीक है, साथ में म्यूजिक सेटिंग में बैठता था और उनके म्यूजिक के लिए आशीष भाई मुझे खुद भी बोलते थे गाना कैसा है, रखना चाहिए कि नहीं। तो एज एन असिस्टेंट मेरा म्यूजिक में बहुत ध्यान था। और आप फिल्म मेकिंग देखो तो टोटल विजुअल और साउंड के ऊपर ही डिपेंड करती है, तो ये दोनों चीज़ में मैंने स्टार्ट से ही सीखना शुरू किया। मेरा जोनर ही है मैं जनरली अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कॉमेडी करता हूँ, ये ऑटो हो जाता है, ऑटो मोड पे होगा कॉमेडी। उनके साथ काम करना कैसा लगा, नए लोगों के साथ, अंदर टैलेंटेड भी होते हैं बहुत अच्छा लगा नए लोगों के साथ काम करके। इनफैक्ट मेरा ये विजन था कि मैं इंडिया के हर कॉर्नर से, जैसे ये एक बंदा अपना राज रहमान अली उड़ीसा से, अपना ललित सिंह राव ये राजस्थान से, जस बोपर आए ये पंजाब से, मैं घूम रहा था, मुझे बेस्ट एक्टर्स चाहिए, मुझे चाहिए थे कि टीनेजर के सब्जेक्ट है ये, और मुझे ऐसे फाड़ो एक्टर चाहिए कि भाई तोड़ डालो उसको, और दे वेर माइंड व्हाट आई शोड देम, दे गेव मी 200%। इसके लिए मैं कम्प्लीटली खुदा को ही बोलूँगा कि खुदा ने मुझे पहले दिन से ऐसी जगह रखा। मेरे गुरुजी का नाम था अजीज सजवार, पहले उन लोगों की फिल्म आपने देखी इलाका, शतरंज, माफिया, बाप नंबरी बेटा दस नंबरी, उनका भी होल्ड बड़ा कॉमेडी में ज़बरदस्त था। तो खुदा ने मुझे ब्लेस किया ऐसा डायरेक्टर जिसके अंडर में मैं काम किया, प्लस उनके एक्टर्स जैसे चीची भैया, गोविंदा, हाय हाय क्या सीखने मिलता था, मतलब लिटरली कान पकड़ के बोलता गुरुओं के साथ में था। ये ब्लेसिंग्स थी मेरे लाइफ में कि ऐसे लोगों के बीच में मुझे बैठने का मौका मिला, और मेरे अंदर जो हुनर खुदा ने ऑलरेडी दिया था उसको इस वजह से पॉलिश हुआ। गाने मैंने इसमें हर टाइप के रखे, और
कॉमेडी को मैंने फोकस गानों पे नहीं किया, मोर ऑफ स्टोरी पे किया हुआ है, जो मेरी स्टोरी लाइन कह रही है, इट्स अ वेरी सीरियस लाइन बट आई हैव टोल्ड इन वेरी कॉमेडी. की है वो सब कुछ दिखती है और उन लोगों ने बहुत मुझे कॉपरेट किया.